दुनिया भर में अपनी जादुई आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली किंजल दवे इस बार मुंबई के बोरीवली में अपना जलवा बिखेरेंगी। दरअसल यह आयोजन अथर्वा फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, जो बोरीवली का सबसे नंबर वन डांडिया का आयोजन किया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक सुनील राणे ने क्या कुछ कहा है, यह अपने आप में एक बड़ा बयान है। हालांकि विधायक सुनील राणे ने कहा है कि मुंबई के बोरीवली में बड़े बड़े डांडिया का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार का डांडिया का आयोजन एक बेहतर और सुसज्जित होगा। फिलहाल कई योजनाओं से लैस इस आयोजन में किंजल दवे अपना जलवा बिखेरेंगी, जो दुनिया के लोग देखने आएंगे। फिलहाल इस मामले में विधायक सुनील राणे ने क्या कुछ कहा, इसको सुनाते हैं। उसके बाद गायिका किंजल दवे से भी सीधी बात करेंगे। देखिए तस्वीर। सुनील राणे जी अनाउंस करने जा रहे हैं मुंबई लार्जेस्ट डांडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति विद गुजरात म्यूजिकल सेंसेशन किंजल दवे। Chairman Atharva Foundation, Mrs. Varsha Rani, Vice Chairman Atharva Foundation, and Ms. Kinjal Dave, Gujarat's musical sensation. We also have with us television fame, Ms. Hilly Shah, Ms. Chandni Sharma, and Mr. Jay Soni, who will also be participating to announce the opening ceremony of Rangratri Dandiya Night. This just won't be any usual Dandiya Night. It's going to be Rangratri Dandiya Ras. It will be a nine Dandiya Ras multiple cuisine food stall. डांडिया क्वीन किंजल दवे हमारे साथ है। हालांकि किंजल जी दुनिया के अलग अलग शहरों में अपना जलवा बिखेर चुकी है, इस बार मुंबई में खासकर बोरीवली में मौका दिया गया है। बड़ी चुनौती होगी क्योंकि मुंबई में आप भी बता रहे थे कि काफ़ी बड़े पैमाने पर गरबा किया जाता है। चुनौती होगी तमाम पुराने लोग भी, आप भी बता रहे कि 30 साल के अनुभव वाले भी लोग बनेंगे और 20 साल की एक गुजराती महिला जो है इस तरह का अपना जो है कंपटीशन लेके उतरेगी, तो कितना चैलेंज रहेगा इसको लेकर? सबसे पहले चैलेंज कंपटीशन ऐसा तो मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि कुछ धमाका होने वाला है, धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि ऐसा मैं 7 साल से, मैं जब 7 साल की थी तब से मैं गरबा कर रही हूँ, और पिछले 10 सालों से मैं अहमदाबाद और अब्रॉड में मैंने गरबा किया है। सो गरबा लवर्स का जो मुझे प्यार मिला है वो माय गॉड थैंक्स टू माता जी कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं मेरे म्यूज़िक को मुझको। सो मुंबई मेरे लिए नई जगह है, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अभी से प्रैक्टिस वगैरह सब कर रहे हैं कि लोगों को कुछ नया दे पाए। क्योंकि इस साल इतने सालों से मुंबई के आर्टिस्ट यू नो के सब फिक्स है, सो इस साल कुछ नए आर्टिस्ट, मुंबई के लिए नया आर्टिस्ट है, मेरे लिए कुछ नई जगह है। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि कुछ नया दे पाऊँ, कुछ अलग दे पाऊँ। और ये नहीं है कि सिर्फ आपको गाने में और म्यूज़िक में नया मिलने वाला है, जो जगह है उसका एक्सपीरियंस भी एकदम अलग ही होने वाला है। क्योंकि वहाँ की जो सेफ्टी वाइज लाइक स्टेज डिज़ाइन से लेकर पूरा ग्राउंड डिज़ाइन, उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। आप वहाँ पे आएंगे, कपड़े खरीद सकते हैं वहाँ पे, सैलून ऐप तैयार हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सब कुछ है। सो ये एक अलग एक्सपीरियंस है बोरीवली के और स्पेशली मुंबई के डांडिया लवर्स के लिए। किंजल जी, मुंबई बोरीवली में सभी तबके के लोग रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। हालांकि गुजराती मानुष अगर रहता है तो चलता है, लेकिन यहाँ उत्तर भारतीय, मराठी, बिहारी, मध्य प्रदेश के लोग, तमाम अलग अलग राज्यों के लोग हैं, तो एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो इसके लिए कैसी तैयारी आपकी रही?
चुनौती नहीं, मैं इसको है ना बहुत अलग तरीके से देख रही हूँ, क्योंकि गुजराती तो मेरे को आता है, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ मारवाड़ी बहुत सारे रहते हैं और मारवाड़ी लोग स्पेशली गरबा भी ज़्यादा पसंद करते हैं, मारवाड़ी लोग आते ही है गरबे में. सो मारवाड़ी सॉन्ग्स, उसके बाद मराठी सॉन्ग्स भी मैंने प्रिपेयर किया है, क्योंकि यू नो कि अच्छा लगता है जब कोई आपको, जिसको गुजराती पसंद नहीं है वो लोग अब अगर आपको प्यार करे, आपको म्यूज़िक, आपके म्यूज़िक में यू नो मग्न हो जाए, आपके उसको एंजॉय करे, तो बहुत अच्छा लगता है. सो मेरे लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है कि मैं नई नई भाषा में गाने सीखूँ, उसको मुंबई के जनता के सामने रिप्रेजेंट करूँ. एक फेवरेट गाना आप थोड़ा सा एक लाइन खाली गुनगुना दीजिए, बाद में व्यूअर्स को क्या कहेंगे जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं. बस सबको यही कहने वाली हूँ कि ज्यां ज्यां वसे गुजराती त्यां त्यां सदाकाल गुजरात. और गुजराती लोगों का तो पूरे देश को पता ही है कि जगह जगह हमारा जलवा छाया हुआ है. सो इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बोरीवली से मुंबई के डांडिया लवर्स को मिलने के लिए और सभी गुजरातीज के लिए और नॉन गुजरातीज भी जो डांडिया पसंद करते हैं और आने वाले उन सभी के लिए एक लाइन. हे काची करी ने अंगूर काला, अमे गुजराती लहरी लाला, हाँ अमे गुजराती लहरी लाला, गांधी जी गुजराती, मोदी जी गुजराती, गुजराती योनी बोल बाला, अमे लहरी लाला, अमे लहरी लाला, गुजराती लाला, अमे लहरी लाला. बिल्कुल, तो हमारे साथ ही कंजल दवे जो इस बार मुंबई के बोरीवली में अपनी आवाज़ से, अपनी नृत्य कला से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगी. हालांकि बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उन्होंने कहा कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मुंबईकर को अच्छी तरह से जानती है, बोरीवली को पहचानती है. तो ऐसे में आने वाले समय में किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहता है वो देखने वाली बात होगी.